हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओडिया क्लास। तो सांग माने आजर ओडिया क्लास रे आमे आलोचना करिवा 2022 मसिया रे जो बीडी एंट्रेंस हिथला से बीडी एंट्रेंस रा प्रश्नपत्र गुडीको से क्वेश्चन एवं ता आंसर गुडीको आमे आजर ओडिया क्लास रे आलोचना करिवा। तो आमे पूर्व क्लास गुडीको रे बीडी एंट्रेंस रो स्टॉर्म अनुसार जो सब्जेक्टिव पेपर रहिछ 60 मार्क रो क्वेश्चन को आलोचना करि सारि छथि। तो वर्तमान ओडिया क्लास रे आमे आलोचना करिवा तो वर्तमान क्लास रे आमे आलोचना करिवा आमर जो कंपलसरी पेपर रही 40 मार्क समस्त से सामान सिलेबस साइंस आर्ट्स कमर्स सब स्टर्म सामान 40 मार्क भाव आसते। तो से 40 मार्क रो सिलेबस थिला जमीती कि से इंग्लीश रो आसे 10 मार्क रिजनिंग रु 10 मार्क जनरल अवेयरनेस रु 10 मार्क एवं टीचिंग एप्टीट्यूड रु 10 मार्क। तो से 40 मार्क रो सिलेबस से 40 मार्क रो क्वेश्चन आम आलोचना करिवा। तो ये 40 मार्क भितर अच्छे इंग्लीश रिजनिंग जनरल अवेयरनेस और टीचिंग एप्टीट्यूड। तो प्रत्येक विषय रु 10-10 मार्क लखाएं आसी। तो 2022 मसीह जो बीडी एंट्रेंस टे 31/7/2022 जो बीडी एंट्रेंस टे तार क्वेश्चन गुड़िक आम आलोचना करवा। तो प्रथम रही इंग्लीश जो थी कि 10 मार्क आसते। तो से 10 मार्क इंग्लीश रु पुणी गोटे पैसेज रही जो थी कि से पैसेज टी पढ़ी आपको 500 मार्क आंसर देवाई पड़ो। तो से पैसेज टी देखते लिखा जाइए प्रथमे देखंतु एठी लिखा जाइछि डायरेक्शन देइछि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 61-65 चूजिंग द करेक्ट आंसर। तो एठी गोटे इंग्लीश रो पैसेज रहिछि इंग्लीश रो 10 मार्क आइस्थाय। तो ई पैसेज रो 5 मार्क पढ़िबो एवं आउ 5 मार्क ग्रामर एवं अन्यन्य विषय गुडी को आसीबो। तो एठी देखंतु प्रथमे एठ रहिला तो आमे पैसेज टिको आलोचना करिबा नै। तो आमे केवल प्रश्न गुड़िक देखा और आंसर आपको ये बतईदेवि से पैसेज अनुसार ही आंसर हेबो। तो 61 नंबर रो प्रश्न अटे लिखी व्हेन द लास्ट केस केम ऑफ द जज फेल्ट रिलीव्ड बिकॉज। तो ये 61 नंबर गोटे प्रश्न अच्छी व्हेन द लास्ट केस कम ऑफ द जज फेल्ट रिलीव्ड बिकॉज ऑप्शन ए रही ही वाज फीलिंग हंग्री देन ऑप्शन बी एपटे रही आम देखीदे ऑप्शन बी रही इट हाड बीन ए हॉट एंड टीरिंग डे। तापर ऑप्शन सी रही ही कॉल्ड बाय हिज वाइफ एंड ऑप्शन डी रही ही हाड टू कॉल ऑन हिज सीनियर। तो ये 61 नंबर प्रश्न उत्तर टी हम ऑप्शन नंबर बी जहाँ आमर एटी रही देखो इट हाड बीन ए हॉट एंड टाराइंग डे हेब ऑप्शन नंबर बी इट हाड बीन ए हॉट एंड टीरिंग डे हेब। तापर आम देखा 62 नंबर प्रश्न ये लिखा जाए देखो द मेन वाज अकोस्ट ऑफ। तो ये 62 नंबर प्रश्नर उत्तर टी हम ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हे ये 62 नंबर प्रश्नर उत्तर जहाँ रही ब्रेकिंग इनटू ए हाउस। तापर आम देखा प्रश्न नंबर 63 नंबर प्रश्न लिखी द जज डिड नॉट फाइंड द मेन गिल्टी आज कहीं जज मेन गिल्टी मेन दोषी को धरी पारे ना। तो 63 नंबर प्रश्नर सठिक उत्तर टी हम ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हे यार सठिक उत्तर दे आर आज नो रियल प्रूफ एगेनेस्ट हिम। तो सठिक प्रमाण रियल प्रमाण नथिबारु जज से गिल्टी को बा दोषी को धरी पारे ना। तापर आम देखा 64 नंबर प्रश्न ये जो पैसेज अनुसार यहाँ हम तो पैसेज टी पढ़ी सारापर से आंसर मिल जाव 64 प्रश्न ये पचर द मैन फेसिंग द टीयरियाल वाज रियली गिल्टी बिकज। तो ये 64 नंबर प्रश्नर सठिक उत्तर टी हम ऑप्शन नंबर सी जहाँ रही ही हाड द वाच ही हाड द वाच इन हिज प्रोसेसन। तो ये हम ऑप्शन नंबर सी हूँ राइट आंसर। यापर आम देखा यही पैसेजर अंतिम प्रश्न 65 नंबर प्रश्न। तो ये 65 नंबर प्रश्न अच्छी हाउ डज द एक्यूज्ड अपीयर। तो 65 नंबर प्रश्न कहला हाउ डज द एक्यूज्ड अपीयर। तो ये यार सठिक उत्तर टी हम 65 नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर बी हे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जहाँ कही पुलिस। तो यापर आम देखा तो यह 5 मार्क जोटा कि आम पैसेज अनुसार यार आंसर पाइले। तो यापर आम देखा 65 नंबर प्रश्न 66 नंबर प्रश्न। तो ये देखा 66 नंबर प्रश्न ये कही डायरेक्शन देजी आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 66-17 चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो इंग्लीश रु यापर 66-70 पर्यंत इंग्लीश क्वेश्चन रही है बीडी एंट्रान्स समस्त सब स्टर्म कंपलसरी पेपर अटे।
तो ये देखा 66 नंबर प्रश्न ये कहला द वार्ड सिमिलर इन मीनिंग ऑफ द पजल्ड। तो पजल जो वार्ड टी रही पजल आम जो गेम भी खेली था पजल वार्ड सिमिलारिटी सामंजस्य शब्दर नाम कौन। तो पजल सह ये देखा आम पजल सह के वार्ड टी सिमिलारिटी अच्छे। तो ये अनेक गुड़े ऑप्शन रही जमीक ऑप्शन ए आनेक्सियोस, ऑप्शन बी अच्छे रिलीव्ड, ऑप्शन सी अच्छे कन्फ्यूज एवं ऑप्शन सी अच्छे स्टूपिड। तो यार पजल वार्ड सिमिलारिटी वार्ड थी शब्द टी हे कौन कन्फ्यूज ऑप्शन नंबर सी हे यार राइट आंसर 66 रहा। देखा 67 नंबर प्रश्न क्वेश्चन नंबर 67 देखो 67 नंबर प्रश्न कही द वार्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू गिल्टी। गिल्टी शब्दर अपोजिट वार्ड कौन गिल्टी कहले है ओडिया रे दोषी दोषी को गिल्टी बोली कह जाए। तो आम देखा गिल्टी शब्दर अपोजिट शब्द टी कौन। तो गिल्टी शब्दर अपोजिट हो देखो 67 प्रश्न 67 नंबर आम प्रश्न सठिक आंसर टी हे ऑप्शन नंबर डी हे ये राइट आंसर। गिल्टी अपोजिट वार्ड टी हूँ इनोसेंट इनोसेंट कहले भद्र। तो ये दोषी अपोजिट हे कौन भद्र। तो 66 रो सठिक आंसर टी हे ऑप्शन नंबर डी। तापर आम देखा 68 नंबर क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन ये लिखी द जज वाज फिलिंग टायर्ड द कोर्ट क्लर्क वाज अल्सो फिलिंग टायर्ड कंबाइनिंग दिस टू सेंटेंस इंटु ए सिंगल सेंटेंस यूजिंग आज वेल आज वी गेट। तो आज वेल आज लगे गोटे सेंटेंस ये क्रिएट करवाई हे। तो ये सठिक आंसर टी हे 68 नंबर प्रश्न सठिक आंसर टी हे ऑप्शन नंबर सी। तो ये देखो ऑप्शन नंबर सी हे यार राइट आंसर जहाँ लिखाई द जज वाज द जज आज वेल आज द कोर्ट क्लर्क वाज फिलिंग टायर्ड। तो यह हे सठिक आंसर ऑप्शन नंबर सी। यापर आम देखा नेक्स्ट प्रश्न अच्छे 69। तो 69 नंबर प्रश्न आम देखा तो 69 नंबर प्रश्न ये रही जहाँ लिखा जाए द मैन वाज पुलिस द मैन वाज टेक्टलेस कंबाइनिंग दिस टू सेंटेंस इनटू ए सिंगल सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली आ बट ऑल्सो लगे कि गोटे वार्ड क्रिएट करने गोटे शब्द टे गठन करने कहुच वाक्य गठन टेपी डायरेक्शन दि जाइए। तो यार सठिक उत्तर टी हे ऑप्शन नंबर बी जहाँ ऑप्शन नंबर बी ये हे सठिक उत्तर। तो जहाँ कही द मैन वाज नॉट ओनली पुलिस बट ऑल्सो टेक्टलेस। तो ये हे ऑप्शन नंबर बी हूँ राइट आंसर। तो जो मैंने ऑप्शन नंबर बी देखते से मानकर राइट आंसर हो। तो यह 69 नंबर प्रश्न तापर आम इंग्लीश रो अंतिम प्रश्न देखा 70 नंबर प्रश्न। तो 70 नंबर प्रश्न ये लिखा जाइए देखु द अकोस्ट सडनली सेड साल आई रिटर्न द वाच और नोट द सेंटेंस कैन बी चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये सेंटेंस टी को इनडायरेक्ट स्पीच रे चेंज करने कहुच। तो 70 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर टी हे ऑप्शन नंबर ए द एक्स्यूट सडनली आस्ट व्हेदर ही वुड नॉट रिटर्न द वाच और नोट। तो ये ऑप्शन नंबर ए हूँ 70 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर। तो यह था इंग्लीश रो 10 मार्क रो कंपलसरी पेपर रे जो आम आसुची बीईडी एंट्रेंस रो 10 मार्क थिला इंग्लीश पेपर उपर। तापर नेक्स्ट आम आलोचना करिबा आउ 10 मार्क। तो सांग माने वर्तमान आम 2022 मसीहार जो बीईडी एंट्रेंस होता से बीईडी एंट्रेंस रो प्रश्न गुड़िक आलोचना करिबा। तो ये देखो 71 नंबर प्रश्न ये रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए करेक्ट ऑफ साउंड। तो साउंड भितर के स्टेटमेंट एठार ठीक अच्छे बोले कही। तो 71 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर टी हम एठार ऑप्शन नंबर डी इट कैन नॉट मूव थ्रू वैक्यूम। तो वैक्यूम पई एहा मूव होई परनी बोली एठी कहा जाय। तो 71 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर टी हम ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 71 नंबर प्रश्न पई। तापर आम देखा 72 नंबर प्रश्न। तो ये देखु 72 नंबर प्रश्न ये लिखी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टेरिकल डिजीज। तो एथिमधरु केउटी गोटे बैक्टीरिया जनित रोग नुहे बोली कही। तो एथिमधरु राइट आंसर टी हम ऑप्शन नंबर सी हे ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मियाल्स हे ये राइट आंसर। तो जो मैंने 72 नंबर ऑप्शन नंबर सी देखते ठीक आंसर तक हे। तो यह हूँ बैक्टेरिया जनित रोग नुहे।
तापर आम 73 नंबर प्रश्न ये देखा 73 नंबर प्रश्न ये लिखी तो ये देखो व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड तो भारत संविधान तो ये कहला व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड भारतीय संविधान के तो ये 73 नंबर प्रश्न लिखा जाइए 73 नंबर प्रश्न कहला व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया अडॉप्टेड भारत संविधान केवे अडॉप्ट होता तो यठार सठिक आंसर टी ऑप्शन नंबर डी 26 ऑफ नवंबर 1949 तो यठार 26 ऑफ नवंबर 1949 रे भारत संविधान टी अडॉप्ट करा जाइतिला तो 73 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर टी ऑप्शन नंबर डी तापर आम देखा 74 नंबर प्रश्न तो ये देखो प्रश्न नंबर 74 रही व्हिच फ्रॉम द गवर्नमेंट इज प्रिवेंटल ऑफ इंडिया व्हिच फ्रॉम द गवर्नमेंट इज प्रिवेंटल फॉर द इंडिया 74 नंबर प्रश्न रही यार सठिक उत्तर टी हम ऑप्शन नंबर बी पार्लियामेंटरी तो पार्लियामेंटरी ये हम सठिक आंसर ऑप्शन नंबर बी हूँ सठिक उत्तर 74 नंबर प्रश्न पार्लियामेंटरी हम राइट आंसर तापर आम देखा 75 नंबर प्रश्न 75 नंबर प्रश्न कौन रही तो ये देखो 75 नंबर प्रश्न कही व्हेन वाज द नेशनल इमरजेंसी इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया भारत केबे नेशनल इमरजेंसी लगी तो भारत केबे नेशनल इमरजेंसी बा नेशनल इमरजेंसी घोषणा करा दैथिला तो एठी राइट आंसर टी हेबो 75 नंबर प्रश्न रो ऑप्शन नंबर ए 1962 मसीहार भारत जरूरीकालीन परिस्थिति जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति लगी तो एठार कौन हम ऑप्शन नंबर ए हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन तापर आम देखा 76 नंबर प्रश्न तो ये देखो 77 नंबर प्रश्न ये कही व्हिच कमिशन पॉलिसी हाज रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस सिटिंग स्कूल यह के व्हिच कमिशन पॉलिसी हाज कमेंटेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस सेटलमेंट इन स्कूल तो यार सठिक उत्तर टी हम क्यों कमिटी बोली कही क्यों कमिशन ऑप्शन ए रही कोठारी कमिशन ऑप्शन बी रही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो एथिमधर 76 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर टी हम ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी देखो ऑप्शन नंबर सी एठार अच्छी ऑप्शन नंबर सी हम ये सठिक उत्तर जहाँ आम रही नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 तो यह हम ऑप्शन सी हूँ एठार सठिक उत्तर 76 नंबर प्रश्न तापर आम देखा 77 नंबर प्रश्न ये कौन रही UGC वाज एस्टाब्लीश्ड ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑफ व्हिच कमिशन पॉलिसी तो UGC क्यों कमिशन रा पॉलिसी द्वारा एस्टाब्लीशमेंट होता तो ऑप्शन ए रही यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन तो यठार 77 नंबर प्रश्न उत्तर टी हम ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन 1948-1949 तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर तो यठार ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर UGC यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन कमिशन 1948-49 द्वारा स्थापन करा जाइतिला एस्टाब्लिश्ड होइतिला तापर आम देखा 78 प्रश्न नंबर 78 कौन रही तो ये देखो प्रश्न नंबर 78 तो एबे आम देखा 78 नंबर प्रश्न ये देखो 78 नंबर प्रश्न रही इन व्हिच ईयर नेशनल काउंसिल ऑफ द टीचर एजुकेशन NCTE वाज एस्टाब्लिश्ड केबे NCTE एस्टाब्लिश स्थापन कराइला तो यार सठिक उत्तर टी हे 78 नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर NCTE को 1995 1995 मसीह स्थापन करपर आम देखा 79 नंबर प्रश्न तो ये देखो 79 नंबर प्रश्न रही व्हिच ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज रिसर्च इन सोशल साइंस तो क्यों ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिसर्च इन सोशल साइंस होता है व्हिच ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी रिसर्च इन सोशल साइंस तो क्यों ऑर्गेनाइजेशन टी सोशल साइंस ऊपर रिसर्च करिथाय बोली एठी कहा जाइछि तो 79 नंबर प्रश्न रो सठिक उत्तर टी हबो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर तो यह हम ICSSCR ऑप्शन नंबर बी एठार हो जाउछि सठिक उत्तर तापर आम देखा प्रश्न नंबर 80 नंबर द क्वेश्चन नंबर 80 आम देखा तो 80 नंबर प्रश्न रही द प्रोपरेटरी स्टेज ऑफ द एजुकेशन एज पर NPE 2020 कवर व्हिच एज ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट तो 80 नंबर प्रश्न कहला
द प्रिपरेटरी ऑफ स्टेज ऑफ एजुकेशन एज पर एनपीई 2020 कवर व्हिच एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट तो क्यों बयसर स्टूडेंट बोले ठीक कही थी तो 80 नंबर प्रश्नर सठिक उत्तर टी हम ऑप्शन नंबर ए अर्थात एज 8 to 11 हम सठिक उत्तर तो ऑप्शन नंबर ए हिज राइट आंसर 80 नंबर प्रश्नर तापर आम 81 नंबर प्रश्न ये देखा द 81 नंबर प्रश्न ये कहला इफ ए प्लस बी ग्रेटर देन सी प्लस डी एंड बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए प्लस डी देन इज डेफिनेशन दैट तो 80 नंबर प्रश्नर सठ तो 81 नंबर प्रश्नर सठिक उत्तर टी हम ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बी ग्रेटर देन डी हम तो जो मैंने ऑप्शन नंबर डी मारी 81 नंबर सठिक उत्तर हम तापर आम देखा 82 नंबर प्रश्न 82 नंबर प्रश्न ये रही चूज द सेट फ्रम द गिवन ऑप्शन व्हिच इज सिमिलर टू द गिवन सेट तो ये सेट मध्य गुड़िकर सठिक सेट्टी चिन्हट कर बोली कही तो 82 नंबर सठिक उत्तर टी हम ऑप्शन नंबर डी 12 17 आउ 26 तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर तो जो मैंने ऑप्शन नंबर डी एठी देछंती ताहा मध्य ठीक उत्तर हम 82 नंबर पे तापर आम देखा 83 नंबर प्रश्न ये कही इन ए रो हरी इज 7 फ्रम राइट एंड 27 फ्रम द लेफ्ट देन हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन रो तो से रो रे केत जन असंती बोली एठी कहा जाइछि तो 83 नंबर प्रश्नर सठिक उत्तर टी हेबो एठी 83 नंबर रो सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन नंबर सी 33 हेबो तो एठी कोन हेबो 33 ऑप्शन नंबर 3 तापर आमे देखिबा 84 नंबर प्रश्न 84 नंबर प्रश्न एठी रहिछि तो आमे देखिबा एठी 84 नंबर रो प्रश्न इफ डे आफ्टर टुमारो इज सटरडे देन व्हाट डे विल बी थ्री डे बिफोर टुमारो तो 84 नंबर प्रश्न रो सठिक उत्तर टी एठी हेइ जीवो तो आम देखा 84 नंबर प्रश्नर सठिक उत्तर टी हेबो 84 नंबर रो ऑप्शन नंबर ए थर्सडे हेबो तो जो माने ऑप्शन नंबर ए मारी छंती से मानकर 84 नंबर क्वेश्चन टी ठीक हेबो तापर आम देखा 85 नंबर प्रश्न डब्लू गोज टू 30 मीटर तो ये कहला 85 नंबर प्रश्न रे डब्लू गोज 30 मीटर नॉर्थ एंड देन रिटर्न्स लेफ्ट टू गोज 20 मीटर अगेन ही टर्न्ड लेफ्ट एंड गोज 30 मीटर्स हाउ फार इज डब्लू फ्रॉम इज ओरिजिनल पॉइंट तो ये रिजनिंग देजी एटा 85 नंबर प्रश्नर सठिक उत्तर टी आमर हि जाउची ऑप्शन नंबर डी अर्थात 20 मीटर हेबो तापर आम देखा 86 नंबर प्रश्न 86 नंबर प्रश्न ये कही फाइंड द सम ऑफ द इवन नंबर बिटवीन 1 to 99 तो यठार 86 नंबर सठिक उत्तर टी हम ऑप्शन नंबर सी ये हम 2450 इज द राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हूँ एठार 86 नंबर प्रश्नर सठिक उत्तर तापर आम देखा 87 नंबर प्रश्न 87 नंबर प्रश्न ये कही व्हाट विल बी दैट टू डिजिट नंबर द प्रोडक्ट ऑफ टू द प्रोडक्ट ऑफ हुज डिजिट इन ट्विस द सम ऑफ देयर डिजिट तो 87 नंबर प्रश्नर सठिक उत्तर टी हम ऑप्शन नंबर सी अर्थात 36 हम एठार सठिक उत्तर तो यापर आम देखा 88 नंबर क्वेश्चन तो 88 नंबर प्रश्न आम 88 नंबर प्रश्न आम रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन व्हाट विल कम थर्ड अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी तो यठार सठिक उत्तर टी आम हो 88 नंबर प्रश्नर सठिक उत्तर टी हम ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हम कौन ना स्नोकर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर यापर आम देखा ऑप्शन नंबर यार देखा यापर आम देखा ऑप्शन नंबर तो यापर आम प्रश्न नंबर 89 देखा तो 89 नंबर क्वेश्चन रही ए नंबर इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 8 अल्सो इट इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 10 द नंबर इज तो से संख्याटी कौन तो 89 नंबर प्रश्नर सठिक उत्तर टी हम ऑप्शन नंबर सी हो रहा सठिक उत्तर यापर आम देखा 90 नंबर प्रश्न आमर द प्रश्न नंबर 90 इज रीना इज ट्विस आज ओल्ड आज सुनीता 3 years एगो सी वाज 3 times एंड ओल्ड आज सुनीता हाउ ओल्ड रीना नाउ तो रीनार बयस केत पचार 90 नंबर प्रश्न रीनार बयस पचार तो यठार सठिक उत्तर टी हम ऑप्शन नंबर डी रीनार बयस हूँ 12 वर्ष
तो ऑप्शन नंबर डी हे एठार सठिक उत्तर जो मैंने डी मारी राइट आंसर होपर आम देखा एकानबे नंबर प्रश्न द क्वेश्चन नंबर 91 देखा तो ये देखो एकानबे नंबर प्रश्न ये कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट विद इन लर्नर रिलेटेड फैक्टर तो यह टीचिंग एप्टीट्यूड आसी तो यठार एकानबे नंबर प्रश्नर सठिक उत्तर टी हे ऑप्शन नंबर सी ये सठिक उत्तर हो तो ये देखो ऑप्शन नंबर सी कही कौन टेक्निकल मेथोडोलॉजी तो टेक्निकल मेथोडोलॉजी ऑप्शन नंबर सी हे एठार राइट आंसर तापर आम बयानबे नंबर प्रश्न ये आलोचना करवा देखो 92 नंबर प्रश्न रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट विथ मोटर लर्निंग तो यठार बयानबे नंबर प्रश्न सठिक उत्तर टी हो तो यठार बयानबे नंबर प्रश्न सठिक उत्तर टी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एठार ऑप्शन नंबर सी हे सठिक उत्तर बयानबे नंबर प्रश्न पर आम देखा 93 नंबर प्रश्न क्वेश्चन नंबर 93 ये रही व्हिच स्ट्रैटेजी इज बेस्ट एप्लीकेबल फॉर टीचिंग स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग टू द स्टूडेंट तो एठार स्टूडेंट मानक केउटा टीचिंग स्किल रही कही तो आम देखा एठार 93 नंबर सठिक उत्तर टी हे ऑप्शन नंबर बी हे माइक्रो टीचिंग तो माइक्रो टीचिंग हे बेस्ट टीचिंग स्किल ऑप्शन नंबर बी हे राइट आंसर तापर आम देखा 94 नंबर प्रश्न एठार देखो द क्वेश्चन नंबर 94 रही व्हिच स्ट्रैटेजी कैन बी यूज फॉर द डेवलपिंग क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ावा स्ट्रैटेजी कौन कही तो ये 94 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर टी हे ऑप्शन सी ब्रेन स्ट्रमिंग आंसर ऑप्शन नंबर सी हे ये सठिक आंसर तापर आम देखा 95 नंबर प्रश्न आम रही 95 नंबर प्रश्न व्हेन ए टीचर और ट्राइज टू डेवलप सेल्फ अवेयरनेसेस एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट अमंग द स्टूडेंट्स व्हिच टीचिंग मॉडल टीचर प्रेस टू यूज तो यार 95 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर टी हे ऑप्शन नंबर ए हीजार सठिक उत्तर नॉन डायरेक्टिव तो कौन हम ये नॉन डायरेक्टिव हे यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर ए तापर 96 नंबर क्वेश्चन रही द इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग एसोसिएटेड विथ तो ये 96 नंबर प्रश्न रही द इंटरेक्टिव फेज ऑफ द टीचिंग इज एसोसिएट विथ तो 96 नंबर प्रश्नर सठिक उत्तर टी होची ऑप्शन नंबर सी हे ये 96 रो सठिक उत्तर जहाँ रही डायग्नोसिस ऑफ द एबिलिटी एंड बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाउची राइट आंसर तापर आम देखा आमर 97 नंबर प्रश्न 97 नंबर प्रश्न ये कौन रही तो ये देखो 97 प्रश्न ये रही होल VRS पार्ट मेथड ऑफ टीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ पोएट्री इज बेस्ड ऑन व्हिच थ्योरी ऑफ द लर्निंग तो 97 नंबर प्रश्नर सठिक उत्तर टी ऑप्शन नंबर बी हे राइट आंसर जहाँ रही लेसिक फॉर लर्निंग तो यह विषय तो मत भी किसी जाना ना टीचिंग एप्टीट्यूड विषय तो यह पढ़ापी पड़ो तो सांग मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड्र बीडी एंट्रान्स 10 मार्क क्वेश्चन आए 10 मार्क क्वेश्चन तो से अनुसार आमको टे प्रिपेयर हो बीडी एंट्रान्स जावाक हे तापर आम देखा 98 नंबर प्रश्न तो ये देखो 98 नंबर प्रश्नटी अच्छी द 5E मॉडल लेसन प्लानिंग एसोसिएट विथ तो 5E मॉडल जो रही 5E मॉडल लेसन प्लानिंगटा कौन तो यह कौन एसोसिएट करे बोले कही तो ये सठिक आंसर हे 98 नंबर ऑप्शन नंबर सी जहाँ रही कंस्ट्रक्टिव अप्रोच तो ऑप्शन नंबर सी हे ये सठिक उत्तर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच तापर आम देखा 99 नंबर प्रश्न क्वेश्चन नंबर 99 तो 99 नंबर प्रश्न ये रही देखो ए गुड टीचर मस्ट बी कौन बोले कही तो 99 नंबर सठिक उत्तर टी ऑप्शन नंबर बी ए गुड टीचर मस्ट बी रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटिविटी हवा कथा तो 99 रो सठिक उत्तर टी ऑप्शन नंबर बी तापर आम अंतिम प्रश्न देखा बी डी एंट्रान्स 100 नंबर जहाँ अच्छे 100 नंबर क्वेश्चन तो 100 नंबर क्वेश्चन ये देखो व्हिच मैक्सिम ऑफ टीचिंग इज मस्ट एप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग ग्रामर एट स्कूल तो ये सठिक उत्तर टी हे 100 नंबर प्रश्नर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर तो ग्रामर पर इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन
तो इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन हम एठार सठिक उत्तर। तो यह 2022 मसीहा बीडी एंट्रान्स कत गुड़े सर्ट क्वेश्चन जहाँ आपर कंपलसरी पेपर में आसे मुझे आगुरी कंपलसरी पेपर 40 मार्क आसी था और सब्जेक्टिव पेपर में 60 मार्क आसी था। तो यह हूँ बीडी एंट्रान्स सिलेबस टोटल 100 मार्क एग्जाम 2 घंटार टाइम। तो 100 सर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू आसो तो से 40 मार्क आम बर्तमान आलोचना कले कंपलसरी पेपर जहाँ सिलेबस थिला इंग्लीश रु 10 मार्क रिजनिंग रु 10 मार्क जनरल अवेयरनेस रु 10 मार्क एवं टीचिंग एप्टीट्यूड रु 10 मार्क ये चारिगोटी विषय रु 40 मार्क आसो कंपलसरी पेपर। यह सबू स्टूडेंट मानक अर्थात साइंस आर्ट्स कमर्स समस्त यह सिलेबस टी समान अटे। तापर आ 60 मार्क आपण सब्जेक्ट अनुसार भिन्न भिन्न सिलेबस रही साइंस अलग आर्ट्स अलग इत्यादि रही। तो आज ओडिया क्लास आम आलोचना कले बीडी एंट्रान्स क्वेश्चन उपर आशा करूँ आपण मानक भिडटी भल लगे और आपण मानकर एग्जाम हेल्पफुल हे। तो जो मैंने यार पीडीएफ गुड़िक डाउनलोड करने चाहते से मैंने टेलीग्राम चैनल जॉइन हो पीडीएफ गुड़िक डाउनलोड करें। तो आपण मानक बहुमूल्य समय दे भिडटी देखि आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।